मुरादाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी तीन मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। उनकी मांग है कि जिस तरह बिहार और गुजरात में शराब की बिक्री पर रोक है, उसी तरह यूपी में भी शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए। सरकार को चाहिए कि शराब की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही महंगाई कम करे और पेट्रोल डीजल समेत गैस के दामों में भी कमी लाई जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस जे पार्टी के नेता मंगल सेन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ते हुए अपराध पर भी सरकार नियंत्रण करे। हमारी तीन मांगे हैं। पहली मांग हमारी, उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार की तर्ज पर और गुजरात की तर्ज पर यहाँ शराबबंदी होनी चाहिए। हर वर्ष लाखों लोग इस शराब के कारण, यानी लाखों लोगों के एक्सीडेंट से लेकर के और कच्ची शराब से लेकर के और आपके जहरीली शराब में मौतें होती हैं। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की है, पता नहीं क्यों नहीं निभा रही है। दूसरी हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जो इस समय बढ़ती महंगाई है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इस महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ दी है। इस जनता की कमर तोड़ने में भारत सरकार का हाथ है। आज भी इन्होंने 25 रुपए गैस पर बढ़ा करके गरीब जनता को वो याद संदेश दे दिया है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों विरोधी है। और गरीबों यही हमारी तीन मांगे हैं। एक मांग चौथी हमारी क्राइम के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में आए दिन लूट, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये दुनिया भर के जितने भी बड़े से बड़े क्राइम हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में होने लगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कानों में रूई ठूंस करके पड़ी हुई है और आज भी इसके लिए बिल्कुल भी प्रयत्नशील नहीं है। केवल उसका मुद्दा यही है जी। आज ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी द्वारा हम भारत के प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र जी को भेज रहे हैं, जिससे वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में ये कहें कि इन तीनों मांगों को मंजूर किया जाए और पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू किया है। ये हमारी मांग थी और हम इसी के साथ में पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके ऊपर ध्यान दे।